मैंने क्या चैलेंज अपने सर पे ले लिया, मतलब इतना मीठा इतना मीठा इतना मीठा। ए, नहीं हारी नहीं हारी नहीं चैलेंज सिल्की और शाइनी लग रहे हैं। रियली थैंक यू। मैंने यूज किया है वाव स्किन साइंस का सीड ऑयल। आपको थोड़ा सा ऑयल अपने हैंड्स पे लेना है। आपको ये ऑयल अपने स्कैल्प से लेकर एंड्स तक लगाना है। ये बहुत इजीली ग्लाइड भी हो जाएगा, इसमें कोई सिलिकॉन नहीं है। हफ्ते में दो बार यूज करो और 2 आवर्स के लिए लगा के इसको इजीली शैम्पू कर लो। आई थिंक इतने अमेजिंग हेयर हो जाएंगे कि आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे। रियली थिंक कि वाव स्किन साइंस के प्रोडक्ट्स बहुत ही अमेजिंग है। ये आपके बालों का टेक्सचर भी इम्प्रूव करते हैं और हेयर डैमेज से भी प्रोटेक्ट करते हैं। बाय द वे गाइस, विश यू अ वेरी हैप्पी एंड अ प्रॉस्पेरस दिवाली। और आज मैं करने वाली हूँ एक बहुत ही फन बहुत ही ज्यादा मीठा मीठा चैलेंज जिसका नाम है ईटिंग ओनली स्वीट्स फॉर 24 आवर्स। मैं खाने वाली हूँ आज ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में सिर्फ स्वीट्स मिठाइयाँ। मेरे जैसे इंसान जिसको मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है उसके लिए मिठाइयाँ खानी तो बहुत ही डिफिकल्ट होने वाली है, क्योंकि दिवाली के टाइम पे आती है इतनी सारी स्वीट्स। मतलब कोई भी आता है, रिलेटिव आता है तो स्वीट्स लेके आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं तो स्वीट्स लेके आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना, चाहिए घर पे इतनी सारी स्वीट्स पड़ी है, इसको मैं ही खत्म करूं, मैं ही सेवियर बनूं सबके लिए और मैं उनके बिहाफ पे सारी स्वीट्स खा लूं। आई रियली होप कि मैं ये चैलेंज कंप्लीट कर लूं। इसी बात पे स्टार्ट करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट के लिए मैंने अपने सबसे प्यारा स्वीट बॉक्स रेडी कर लिया है जिसमें मिक्स मिक्स मिठाइयां है। तो ले आते हैं, चुटकी बजाऊंगी और मेरा ब्रेकफास्ट मेरे हाथों में होगा। सो 1 2 3। सो यहाँ आ गया है मेरा स्वीट बॉक्स। आप देख सकते हो कि इसमें कितने डिफरेंट टाइप की कलरफुल कलरफुल स्वीट्स हैं। मतलब मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना वेट गेन होने वाला है। ओह माय गॉड। एंड शायद 1 या 2 दिन मुझे सिर्फ जिम में ही बैठना पड़ेगा, सिर्फ योगा करनी पड़ेगी, रनिंग करनी पड़ेगी। ब्रेकफास्ट और भूख लग रही है तो खाते हैं। तो गाइस मेरा ब्रेकफास्ट यहाँ पे है मेरे पास। मैंने अपनी एक ट्रे रेडी कर ली है, बिकॉज ऑफ कोर्स वो पूरा इतना बड़ा डब्बा तो मैं खाने वाली नहीं हूँ। जो मिठाइयाँ मैं देख रही हूँ, आई डोंट नो मैं इन्हें फिनिश कर सकती हूँ या नहीं, बट मैं ट्राई जरूर करूंगी। सो मैं क्विकली आपको बता देती हूँ यहाँ पे मेरे पास ये ब्यूटीफुल सी स्वीट प्लेटर पे क्या क्या है। यहाँ पे मेरे पास है कोकोनट लड्डू, ये है केसर लड्डू, ये है बर्फी, ये है कलाकंद, ये है पिन्नी, ये कुछ अलग टाइप की बर्फी या पिन्नी पता नहीं, और ये है रसगुल्ला। ये कोकोनट बर्फी पता लग रहा है। नेक्स्ट, ओ गॉड ये बहुत मीठा है। इतनी मिठाइयां खत्म करना ब्रेकफास्ट में, वो भी ना ना ना। ये टेस्टी है, रसगुल्ला तो सबको पसंद होता है, खूब भालो। इसके बाद तो मेरी भूख मिट गई, आई थिंक मैं तो 2 दिन तक कुछ ना खाना चाहूंगी सब खाने के बाद। प्रेरणा बहुत मोटी हो जाएगी इतनी मिठाई खाएगी। तेरे को पता है एक आई थिंक रसगुल्ले या मिठाई में कम से कम 100 से 150 कैलोरीज है। क्या सीरियसली? एक पीस में मतलब 7 पीस में 700 कैलोरीज। हाँ, और इसको बर्न करने के लिए तेरे को लगभग 100 कैलोरीज को बर्न करने के 20 मिनट्स जिम करना पड़ेगा। क्या? तो तू अगले एक हफ्ते जिम में ही रहने वाली। टोटल मिठाई के पीसेस खा लिए अपने ब्रेकफास्ट में, इससे ज्यादा आई डोंट थिंक मैं खा सकती हूँ। मैंने 5 मिठाइयाँ खाई हैं जो मेरे लिए खुद एक बहुत बड़ी सक्सेस वाली बात है। मैंने आज तक एक मिठाई की एक पीस पूरा नहीं खाया, बट मम्मा वुड बी सो प्राउड ऑफ मी। अब मैंने कर लिया अपना ब्रेकफास्ट और बहुत हैवी हो गया ब्रेकफास्ट करने के बाद। आई एम श्योर 1-2 किलो वेट तो मेरा अभी बढ़ गया होगा, बट अब हम करने वाले हैं लंच इन 2 और 3 आवर्स।
बट लंच आज हम करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल तरीके से, बिकॉज आज है दिवाली एंड दिवाली का मतलब ही होता है शेयरिंग, केयरिंग, लविंग एंड स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। तो लंच हम करने वाले हैं आज अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ और स्प्रेड करने वाले हैं बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी हैप्पीनेस। कोर्स मैं स्वीट्स ही खाने वाली हूँ, बट ट्विस्ट क्या है ये आपको लंच के टाइम पे पता चलेगा। सो लेट्स डू लंच। क्योंकि दिवाली है त्योहार बहुत सारी खुशियां बांटने का, मिठाइयां खाने का, तो मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए और थोड़ी सी खुशियां बांटी जाए। अभी निकली हूँ बाहर लंच करने अपने कुछ सुपर स्पेशल फ्रेंड्स के साथ। मैं कुछ स्पेशल करने वाली हूँ ऑफ कोर्स, बट उससे पहले मैं एक छोटी सी मिठाई खाना चाहूंगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मेरा ये मिनी लंच बॉक्स है, बहुत सारी मिठाइयां हैं। सो आई थिंक मैं अभी एक बूंदी का लड्डू खा लेती हूँ। इतनी स्वीट्स हो गई है सुबह से खा खा के, पूरा मुंह का टेस्ट एकदम मीठा हो गया है। अच्छी बात है ना, फायदा है प्रेरणा, आज तू मीठा खा रही है तो तू मीठा ही बोलेगी ना, तू उससे लड़ेगी ना कुछ होगा। Oh, कहां से लाते हो ऐसे पंचेस हर्ष जी, कहां से लाते हो ऐसे पंचेस? अब मैं तेरा चैलेंज खराब करूंगा, देख सारा जंक फूड खाऊंगा और तू लड्डू ठूसी होगी मुंह में, रसमलाई ठूसी होगी। एक मिनट, तुझे सिर्फ मेरे चैलेंजेस में ही मुझे हराने की पड़ी रहती है, कभी सपोर्ट भी कर दिया कर। ये सपोर्ट ही है और क्या, क्या सपोर्ट है, पिज्जा खाएगा मेरे सामने सपोर्ट होता है और क्या, इतना बड़ा सपोर्ट है। चलो आपको लेके चलते हैं मिलाने अपने कुछ सुपर स्पेशल फ्रेंड्स से। तो मैं संगीता के साथ बैठ के अभी दिवाली की मिठाइयाँ खाने वाली हूँ। मैं और संगीता अब यहाँ पे मेरा लंच कर रहे हैं। हेलो संगीता, स्कूल जाते हो आप? कौन से स्कूल जाते हो? रोहिणी सेक्टर दो जाते हो? कौन सी क्लास में? ऐसा लंच मैंने आज तक नहीं करा है एंड इट फील्स रियली ग्रेट। बहुत कपड़े आपने मेरे फिट करे हैं, आपकी दिवाली बनती है। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ओए ओए प्रेरणा, ये टोक्यो ट्रीट मेरे लिए आया है। हाँ तो मैं भी तो खा सकती हूँ कुछ। बेटा आज तेरा वो है स्वीट डे। हाँ तो स्वीट ओनली स्वीट्स नहीं, दीज आर कैंडीज। ओके चॉकलेट इज स्वीट यार। ठीक है चॉकलेट टेस्ट। ये आज ही आया यार, मेरा मन कर रहा है खाने का। नहीं खाना प्रेरणा प्लीज। हाँ, नहीं खाना तो तू हार गई चैलेंज। पागल है, मैं नहीं हार रही। तू हार गई चैलेंज। मैं नहीं हारी। प्रेरणा लॉस्ट द चैलेंज गाइस। यार इतना खाया है, ये देख लो प्रूफ बॉक्स आया है मुझे खाना है। चॉकलेट है खुली हुई। नहीं है, मैंने नहीं खाया हर। देख मैंने नहीं खाई एज इट इज है, बट यार ये तो कैंडीज में आई मीन स्वीट्स में पास करता है ना यार। अच्छा तुमने जो पहले बोला वही सही था, कैंडीज में पास करता है। मुझे नहीं। दिवाली का फेस्टिवल चल रहा है और अभी मेरी सिस्टर का फोन आया, वो पूछ रही थी कि क्या लेके आए, स्वीट्स तो तुम खाते नहीं हो। फिर तूने क्या बोला? मैंने तभी चेंज किया उसको, मैंने कहा स्वीट्स हम खाते नहीं, आज हमारे साथ है स्वीट क्वीन, सारी मिठाई लेके आओ जो आपको हमें हमेशा से खिलानी थी। इसी बात पे मुझे कुछ खिला दे, भूख लग रही है। तो तेरे लेके आते हैं फिर से कुछ मिठाइयां। खा खा के पक चुकी हूँ, थक चुकी हूँ, मेरे अंदर इतना शुगर रश चल रहा है, लाइक इतना शुगर रश। बड़ा मस्त है दिवाली पे इतनी मिठाइयां आ रही है ना, मेरा ये चैलेंज तो फ्री में ही हो गया है। बहुत स्पेशल स्वीट्स है ये, स्पॉन्ज रसगुल्ला जो कि स्पॉन्जी या, और इसको खाते हैं पूरा। आज तो मुझे चैलेंज देके चला गया है ये स्पॉन्जी रसगुल्ला खाने का। अब मैं देखना चाहती हूँ कि मैं ये खा सकती हूँ या नहीं। इसमें बहुत सारा रस है। नो चलो ट्राई करते हैं। 1, 2 and 3। ओह माय गॉड, मुझे पानी चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में स्पॉन्जी रसगुल्ला ऐसे तो कभी नहीं खाया। तो फाइनली मैं ये चैलेंज जीत गई हूँ और मेरा स्टमक इज टू फुल आफ्टर ईटिंग ऑल दी स्वीट्स आई थिंक। सो आई विल सी यू इन द डिनर टाइम। अब मैं लाइट अप करने वाली हूँ अपनी कैंडल, जो मैंने 50 कैंडल्स की फ्रेग्रेंसेस मिक्स करके बनाई थी। और आप लोगों ने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो क्यों नहीं देखी, जाके देखो। Thank you.
प्रेरणा क्या खाना चाहती है, क्या खाना चाहती है, क्या और लेके आऊं तेरे लिए मिठाई? जो भी तू मीठा खिला दे हमारे गेस्ट्स के आने से पहले। चलो ढूंढते हैं तेरे लिए मैं क्या लेके आ सकता हूँ। इतने बढ़िया, इतने ब्यूटीफुल दियाज लिट करे हैं, इतनी ब्यूटीफुल कैंडल्स लिट करी है, थैंक यू, कि तेरे लिए बनती है एक बहुत ही बेहतरीन रसमलाई। थैंक यू। इतना वियर्ड एक्सप्रेशन आज तक किसी का नहीं होगा रसमलाई देख के। आई लव रसमलाई, बट इतना मीठा खा लिया है सुबह और दोपहर को कि अब मेरा ना कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा, गुस्सा आ रहा है मीठा देख देख के। आई थिंक मैं पूरे एक साल तक मीठा नहीं खाने वाली हूँ। रियली ये मेरे इवनिंग स्नैक्स हैं। तो गाइस हमारे फ्रेंड्स आने वाले हैं दिवाली पार्टी के लिए, आज मैं उन्हें मिठाई खिला के दिखाती हूँ। वो भी मिठाई खाने वालों में से नहीं है, सो लेट्स ट्राई कि वो भी मिठाई खाएं आज मेरे साथ। पूरी रसमलाई खा ली मैंने। हाँ मतलब खाई स्वीट चाहिए तो रसमलाई क्या ही है, क्योंकि टेस्ट किया मेरे को भूख भी लग गई। सो गाइस मेरे फ्रेंड्स आ गए हैं, आपको दिख ही रहा होगा, अभी थोड़े थोड़े धीरे धीरे आने वाले हैं। तो मैं अभी इनको अपनी स्पेशल चीज प्रस्तुत करने वाली हूँ जो मैं सुबह से खा रही हूँ और इन्हें पता नहीं है, बट अब इन्हें पता चलेगा तो इनका रिएक्शन देखते हैं। तुम्हें पता है मैं आज पूरे दिन 24 आवर्स सिर्फ स्वीट्स खाई है, तो मैं आज मैंने होस्ट तो कर लिया है, पर ये जो तो चिप्स विप्स लगे ना मैं नहीं खाने वाली। और हार भी मत लगाइयो, मैं तुम्हें भी नहीं खाने दूंगी। हार भी मत लगाइयो, मैं तुम्हें भी नहीं खाने दूंगी। तुम्हें खानी है स्वीट्स। आई विल टेक, मतलब डिनर यही है? हाँ यही डिनर है। लाइन के सेंटर हो और हैप्पी बर्थडे अर्जुन पाल। हेलो फ्रेंड्स मिठाई खा लो। हेलो फ्रेंड्स मिठाई खा लो। ये थी मेरी मीठी मीठी दिवाली की वीडियो। आई होप आप लोगों को ये चैलेंज देखने में बहुत मजा आया होगा और मेरे स्वीट्स देखने में मजा आया होगा। आई होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप, स्मैश द सब्सक्राइब बटन, शेयर दिस वीडियो एंड स्प्रेड हैप्पीनेस बिकॉज़ इट्स दिवाली। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी दिवाली।